सारी दुकानें ए टू जेड सब मोटर्स की हैं यहाँ पर। 600 रुपए है। इधर की साइड तो सारी शॉप्स हैं। और ये वाला 450। किस रेंज से किस रेंज तक के हैं ये? चलान है इस पे? यहाँ पे किचन किचन मिलेंगे सारे। अंदर गलियों में तो सारा थोक का काम है। तो दोस्तों, गर्मियाँ आ गई हैं और इस गर्मियों में अगर आप अपनी गाड़ी 2 मिनट के लिए भी कहीं पर खड़ी कर दो धूप में, तो वो ओवन से कम नहीं बन जाती। आज इसी गर्मी का इलाज करने के लिए हम जा रहे हैं कश्मीरी गेट, जो कि दिल्ली NCR का है, एक्सेसरीज़ का एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर। तो आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या रेट है। वहाँ सुना है काफ़ी थोक के मार्केट, तो काफ़ी सस्ते में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं भी गाड़ी के लिए अपनी जो है ये सनशेड लेने के लिए जा रहा हूँ वहीं पर, और भी 2-1 एक्सेसरीज मुझे लेनी है। तो दिखाता हूँ आज आपको कश्मीरी गेट की कैसी है एक्सेसरीज मार्केट। हम कश्मीरी गेट मार्केट, और पार्किंग के लिए यहाँ पर जगह मिलेगी नहीं, तो बेटर है कि आप लोग अपनी गाड़ी को छोड़ कर आओ। हमें कहीं काफ़ी दूर पीछे से एक पार्किंग मिली, वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है और अब हम जा रहे हैं देखने के लिए कि कहाँ पर हमें वो मिलते हैं मैट्स वगैरह। अभी ये पीछे इधर की साइड मेट्रो स्टेशन है और ये मेट्रो स्टेशन से रोड आ रही है। यहाँ पर मोस्टली इस रोड पर आपको मिलेंगे जितने भी ऑटो के पार्ट्स वाले हैं, ये ऑटो पार्ट्स वाले। और एक्सेसरीज़ के लिए आपको थोड़ा सा आगे जाके इधर एक रोड है, उस पर जाना पड़ेगा, इसकी बैक साइड वाली रोड पर। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको सब। देखो, आप देखोगे सारे मोटर्स वाले हैं यहाँ पर, आपको हर गाड़ी के पार्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो सारी दुकानें ए टू जेड सब मोटर्स की हैं यहाँ पर, सारी आपको जो है ऑटोमोबाइल के पार्ट्स मिल जाएंगे। और काफ़ी सारी कुछ यहाँ पर एक्सेसरीज की भी शॉप आपको देखने को मिलेंगी, और बैक साइड में तो पूरी एक्सेसरीज है। ये देखिए, ये सब एक्सेसरीज है यहाँ पर। यहाँ पता करते हैं मैट, ये 5D मैट है ब्रीजा की, जो बताई इन्होंने 1970 रुपये। ये कपड़े वाली है, ये किस रेंज में है? 500 रुपये है। 500 रुपये है? हाँ, 550 रुपये है। अच्छा, 600 रुपये है। ये इसी का कलर है क्या वो? हाँ, 600 रुपये है। एक ही ग्रे कलर में 400 रुपये का है। इधर की साइड तो सारी शॉप्स हैं, और इधर की साइड उन्होंने ये कुछ खोखे टाइप के से बनाए हुए हैं। इसका क्या रेट बताया था आपने? किसका? ये 1200 रुपये का। ये 1200 रुपये का सेट है। और ये वाला 450। ये 450। और ये एक ही चीज़ है। ये 450। अच्छा, सीट कवर मिल जाएंगे। किस रेंज से किस रेंज तक के हैं ये? कौन सी गाड़ी है? अमेज। अमेज कौन सा साल की है आपको? स्टार्टिंग वाला मॉडल 2013। भैया 2200 रुपये का। तो वो बकेट वाला स्विफ्ट का, क्या वैरायटी है? लगवाओगे आप? लगवा के रोड फिटिंग के लिए। वैसे आपके पास सारे मिल जाएंगे, तो किस रेंज से किस रेंज तक के आपके पास? 1200 से स्टार्टिंग होती है। 1200 से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद फिर किसी भी रेंज तक। सारी एक्सेसरीज का आइटम है। ये मिल जाएगा होंडा मेज के लिए? कितने की होगी? 500 रुपये की। चैन होती आगे की। अच्छा, चुपक जाएगी है, मतलब रोकेगी धूप वूप रोकेगी कुछ? फर्क पड़ता है इससे? चलान है इस पर? इस पर चलान नहीं है, चलान फिल्म के ऊपर होता है। फिल्म के ऊपर चलान है, इस पे नहीं है। ये तो कार के रख देते हैं। अच्छा, इसमें कोई और क्वालिटी भी आती है? जेड ब्लैक। और ये तो जेड ब्लैक है बिल्कुल। इसमें मैग्नेट नहीं है? ये फिक्स हो जाता है। अच्छा, और हाफ होता है आगे वाले शीशे। अच्छा, हाफ होता है, साइड में बचा रहेगा।
अच्छा अच्छा, बाकी नहीं तो पूरा ब्लैक कर देगा ये। ड्यूरेबल कौन सा ज्यादा है? वो चैन वाला। अच्छा अच्छा, अच्छा ये कितने बिक चुके हैं? ये तो कमी बिकते हैं काले वाले। है ना, एक फिटिंग से ही आएगी हमें इस पर, पुरानी वाली इमेज है। अच्छा एक दिखाओ, रेट बताओ। ठीक, 500 तो आपने बताए हैं अभी। 500 मतलब बढ़ा क्यों रहे हो? ठीक निकाल दो यार। ठीक सब इस, क्या 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 चीज रखते हो आप लोग? हैंडल लॉक है। अच्छा, रूम वाले। ओके, और ये मंदिर? ये अंदर के ये मंदिर है, बाकी ये है सोलर है ऊपर। सोलर जो आगे लगते हैं चमकने वाली जाली। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे कौन सी लगती है? रूम भी लगती है। अच्छा अच्छा, गाड़ी के चमकती है। हाँ, जैगवार टाइप की। अच्छा एक बात बताओ भैया, यहाँ पे ज्यादा काम है इसका एक्सेसरीज का, करोल बाग में? ये मेन मार्केट ये है, पूरे वर्ल्ड की मार्केट ये है। पूरे वर्ल्ड की? पूरी पूरे वर्ल्ड की एक्सेसरीज की। अच्छा, नहीं हम भी बहुत दूर से आए हैं गाजियाबाद से। अमेज लिखा तो देख लेना भैया, कौन कौन से साल का है ये? ये ओल्ड वाली पे अमेज लिखा जाता है, और न्यू वाली जो है उस पे अमेज 18 लिखा है। अमेज 18। अच्छा, पीछे भी होती है चैन या आगे? इसमें चैन होती है आगे। अच्छा, आगे आगे पे चैन है, दोनों पे होती है? एक पे दोनों पे? ये दो हैं, चार हैं, चार होते हैं आगे पे। अच्छा एक निकाल के दिखाना, थोड़ी डेंसिटी देखेंगे इतना फर्क पड़ेगा, बाकी अभी गाड़ी में लगा के दिखाते हैं। अच्छा भैया एक बात और बताओ, यहाँ पर जो सामने दुकानें हैं वहाँ से एक्सेसरीज ले हैं यहाँ से, तो फर्क तो होगा ना रेट में? वो महंगी है, यहाँ पर थोड़ी कम की मिलेगी। वो दुकान 40,000 की। अच्छा, 1,000 भी किराए की। अच्छा हाँ, तो ये हाई फाई होते हैं क्या वैसे रहते हैं? ठीक, चीज़ सेम ही है। तो सामने जो है कह रहे हैं दुकानों पे थोड़ी महंगी मिलेंगी, और यहाँ पर जो है ये वाला दोनों भैया आमने सामने ही है दोनों चीज़ें, यहाँ पर थोड़ी ये चीज़ आपको सस्ती मिल जाएगी। तो अभी विंड शेड और पीछे की जो है ये जाली, दोनों चीज़ ले ली हैं। मैट और देख लें कहीं पर मिल जाते हैं। इधर की साइड थोड़े महंगे बता रहे हैं आगे कौन सा हाउस है, कोई वरदान हाउस है, वृंदा हाउस है, वहाँ पर सही मिलेंगे, तो वहाँ पर चेक करते हैं। म्यूज़िक सिस्टम, अलॉय व्हील, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। इधर थोड़ी सस्ती मिल जाएगी लोगों के पास थोड़ी महंगी मिलेगी। और ये है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का गेट, यहाँ से पीछे, और इसी रोड पे बैक साइड में पूरी मार्केट, पतली पतली गलियाँ हैं, सारा लाइट्स का इसमें है। मैक्स स्पीकर, किचन्स, बढ़िया बढ़िया। अंदर तक है, कितना अंदर तक है, यहाँ भी ये सारी चीज़ें। तो पूरा अंदर भरा पड़ा है। यहाँ पे आपको किचन मिलेंगे सारे, ज़्यादातर आपको थोक में मिलेंगे, थोक में कुछ 10-20 रुपए कम का पड़ जाता है, और वैसे आपको थोड़ा महंगा पड़ रहा है। ऐसे मैंने ये भी ये वाला लिया है, ये मुझे पड़ा है 150 रुपए का, मेरा पहले वाला टूट गया था, तो अभी ये लिया है मैंने 150 रुपए का। ये सारी वैरायटी है, ये एग्जॉस्ट
अंकल ने पूरा थोक का कर रखा है किचन का, इसमें किचन का काम अंदर गलियों में तो सारा थोक का काम है। सिंगल पीस आपको कोई दे दो तो अच्छी बात है, बाकी मोस्टली अंदर गलियों में सारा थोक का काम है, बाहर आपको फुटकर में मिल जाएगा। तो भाई लेके आ गए हम ये जालियां वगैरह, लगा भी ली हमने गाड़ी में, सेट कर लिए, ये देखिए सनशेड अपनी, और ये पड़ी है हमें 550 रुपये बोल रहा था, 400 रुपये में दे दिए। मुझे नहीं लगता ये चेन वाली 400 रुपये में कहीं पर भी बाहर आपको मिल पाएगी, थोक की मार्केट है इसलिए यहाँ पर ये इतने की मिल गई। और पीछे वाली जो जाली है वो 350 रुपये बोल रहा था, लेकिन 300 रुपये, 350 नहीं 450 बोल रहा था इसके, तो ये मेड इन ताइवान है, ये हमने 300 रुपये में ले लिए। और टेम्परेचर पर तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, वाकई में टेम्परेचर में अंदर की गाड़ी में फ़र्क पड़ा है काफ़ी, पहले तो एसी का पता ही नहीं चल रहा था,